गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 इसको रिवीजन के लिए अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में भी आपको उससे संबंधित कई टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा की। आज हम लोग उसी क्रम में इसका अगला टॉपिक इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, क्योंकि भारत देश लोकतंत्र देश है, लेकिन इसमें भी आपने देखा कुछ समानताएँ, समानता का अधिकार होने के उपरांत भी कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न है जहाँ पर समानता का व्यवहार होता है और असमानताएँ स्थिति पैदा हो रही है। उसी क्रम में यदि हम अन्य जगह अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों को देखें तो वहाँ की स्थिति के बारे में भी देखेंगे कि लोकतंत्र देश होने के उपरांत भी वहाँ कुछ असमानताओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ समानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार में अधिकांश बताया गया संसार में अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अफ्रीकी अमेरिकन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अफ्रीका देश के जो लोग थे वो अमेरिका में आकर के बस गए और उनको अफ्रीकी अमेरिकन के नाम से जाना जाता है, जिनके पूर्वज गुलाम थे, क्योंकि उनके पूर्वज वहाँ पर गुलाम थे पहले से। उनके पूर्वज गुलाम होने के कारण उनके परिवार के आगे के सदस्य वहाँ पर वहीं रहे। इस प्रकार उनके साथ आज भी वही व्यवहार किया जा रहा है जो उनके पूर्वजों के साथ होता था। इसलिए यहाँ पर भी दिखाया गया था कि किस प्रकार से अपने जीवन के मुख्य रूप में असमान बताते हैं। यदि उनसे बात की जाती है तो वो कह जाते हैं कि वो पूर्वज में गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन हुआ था, यानी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया गया था 1950 में वहाँ पर, जिसमें उनको समानता का अधिकार दिया जाए। लेकिन ऐसा होने के उपरांत भी जो अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, उसके पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था, जैसे वहाँ पर बताया था कि वो उन प्रकाश बाल भी की किस प्रकार से कक्षा में उनको सबसे पीछे गेट के बाहर बैठा जाता था, जहाँ से उनको बोर्ड पर लिखे हुए जो अक्षर थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। तो यहाँ पर भी, यानी इस देश में भी, उन अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि बसों में उनको सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए जगह दी जाती थी। जब भी कोई लोग आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट पर उठ जाना पड़ता था, इनको सीट को छोड़ना ही पड़ता था। यदि कोई अमेरिकन आ गया तो उसको सीट को छोड़ा जाता था। इस प्रकार से जो रोजा पार्क्स के उनका कार्यकाल 1913 से 2005 तक का एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, क्योंकि ये मना क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो महिला थी अमेरिकन ये अफ्रीकी थी और इन्होंने उन गोरे व्यक्ति को अमेरिकन देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, और इतना बड़ा एक आंदोलन हो गया जिसको किस नाम से जाना जाता है, नागरिक अधिकार, इसको नागरिक अधिकार के नाम से, और इसको हम बोल सकते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट।
सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया, यानी जो लिंग के आधार पर या धर्म जात के आधार पर, धर्म के आधार पर और राष्ट्रीय, क्योंकि जब वो देश में रह रहे थे उनको राष्ट्रीयता वहाँ की प्राप्त है, जब एक ही राष्ट्र के रह रहे हैं तो सभी के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए अधिकार, यानी आंदोलन जो तय, जब हम किसी चीज़ को हमें नए कानून को लाना है तो निश्चित ही हम किसी बड़े आंदोलन के माध्यम से या बहुत लोगों के सहयोग के माध्यम से ही हम उस चीज़ को समान बना सकते हैं और सभी को समानता का दर्जा दिया जा सकता है। इस प्रकार से और इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, यानी अब ये नहीं कि अफ्रीकी उसी विद्यालय में जाएगा बच्चा, सभी किसी कहीं भी कोई भी छात्र कहीं भी जा सकता है, ये समानता का अधिकार दिया गया। तो ये आंदोलन का काम क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शर्तें रखी होगी और तभी अपने आंदोलन को समाप्त किया होगा और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खुले गए थे, उनमें नहीं जाना पड़ेगा, ये सब मिक्सअप हो, जहाँ वो थे वहाँ पर और लोग भी जाएंगे और वो है वो दूसरे स्कूलों में जाएंगे और वहाँ पर अपना अध्ययन करेंगे। इतना होने के बावजूद अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं, मतलब इतना प्रयास होने के उपरांत भी आज भी कुछ जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो वो बहुत गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं, क्योंकि वो गरीब हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक, यहाँ पर कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। इस प्रकार से देखा कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे दूसरे देश में, यानी लोकतांत्रिक जो दूसरे देश में थे वहाँ भी उन्होंने प्रयास करने के उपरांत भी आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर सबको समानता का अधिकार दिया जा रहा है लेकिन उनको किसी कारणवश से प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, चाहे उनकी वो गरीबी बीच वाले हो या जाति आ रही हो या धर्म का भेदभाव आ रहा हो, इस प्रकार से कहीं ना कहीं उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी जो को हम दूर तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं हर व्यक्ति समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना और जाति पाति का भेदभाव खत्म करें, तभी इन सारी चीज़ों को हम समाज में एक समानता रूप से ला सकते हैं। और इसके साथ ही इसी में लोकतंत्र को चुने, अगर इन सभी के आधार पर अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र को एक चुनौती है। क्यों चुनौती है, क्योंकि लोकतंत्र हर प्रकार से प्रयास कर रहा है लेकिन उसके उपरांत भी कुछ चीज़ें में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोकतंत्र को चुनौती है, एक प्रकार से लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी आपने भारत देश के बारे में वहाँ की स्थिति के बारे में पढ़ा, सारी संध्या स्वतंत्रता के बाद भारत देश स्वतंत्र होने के उपरांत संविधान के आधार पर सभी को समानता का अधिकार दिया गया, कुछ ऐसे नियम बनाए गए, उनको कानून भी पारित किया गया, उसके प्रांत भी कुछ परंपराएं उपवादिता अभी भी विद्वान है। एक अमेरिका देश जहाँ पर अफ्रीकी अमेरिकन के साथ किस तरह के आंदोलन होने के उपरांत एक नया विधेयक पारित होने के उपरांत भी आज भी फिर भी कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ये एक लोकतंत्र देश के लिए एक चुनौती है। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए समान उठाते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाने के साथ साथ इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्ष है, क्योंकि हर जगह संघर्ष भी है,
बिहार अपने उपचुनाव में पक्ष विपक्ष होता है तो पक्ष विपक्ष सीढ़ी बनाया जाता है जो सारी बातों को रखे और एक उसका जो प्रारूप तैयार किया जाए उसका सोच समझ करके उसकी एक ऐसी रणनीति तैयार की जाए जिसके आधार पर एक ऐसे कानून को पारित किया जाए जो सभी के लिए समानता के दृष्टिकोण से उसको देखा जाए। किस तरह समानता का प्रश्न में हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है और किस प्रकार से अपने मन में ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को हमें आगे भी और भी टॉपिक आएंगे जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो हमें और उनकी गहराई से बताएंगे। तो ये आपका चैप्टर समानता था। समानता के अंतर्गत आपने बहुत सारे टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया और आपने देखा कि समानता जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है, इसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो, उसके उपरांत भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं जिसके कारण लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संघर्ष भी बहुत सारी किए जा रहे हैं। इस प्रकार से यदि इन समानता के अधिकार के तहत यदि हम सभी एकजुट होकर के बारे में अध्ययन करें और इनको किस प्रकार से एक समानता पूरे समाज में लागू हो जाए उसके बारे में विचार करें तो निश्चित ही है समानता का जो दृष्टिकोण है वो निश्चित ही समाज में सभी के साथ समानता का व्यवहार होने पर हमें समानता के अधिकार का की वास्तविकता समझ में। आज आपका ये चैप्टर यही समाप्त होता है। रिविजन वर्ग में आपका फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का था समानता, उसमें आपका वर्क कम्प्लीट हो चुका है रिविजन का। थैंक्स, हैव ए गुड डे।